माता की। वी वॉन्ट एज रिलैक्सेशन, वी वॉन्ट एज रिलैक्सेशन, वी वॉन्ट एज रिलैक्सेशन, वी वॉन्ट एज रिलैक्सेशन। इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, वी वॉन्ट एज रिलैक्सेशन, वी वॉन्ट एज रिलैक्सेशन, वी वॉन्ट एज रिलैक्सेशन। जी नमस्कार, मैं निमरनदीप सिंह, सोशल एक्टिविस्ट, जनरल सेक्रेटरी JKPYC। आज आपके माध्यम से गवर्नमेंट को ये बताना चाहता हूँ कि एक लंबे टाइम से ये जो नौजवान नौकरियों का वेट कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर पुलिस का सब इंस्पेक्टर की जो नौकरी अभी रिसेंटली एडवर्टीज़ हुई है कि उनमें उनका इनको भी नौकरी में आने का हिस्सा ये होंगे, पर कहीं ना कहीं आज ये हताश होते नज़र आ रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि लंबे टाइम से ये अपनी आवाज़ हर एक प्लेटफॉर्म पर उठाते आए हैं, गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करते आए हैं और कहीं ना कहीं नज़रअंदाज होते नज़र जो हमें आ रहा है। तो हमने आज आपके माध्यम से गवर्नमेंट को ये बताना चाहेंगे कि जनाब ये वही लोग हैं, ये वही युवा हैं। जब चुनाव का समय आता है तो युवा सबसे बड़ा मुद्दा होता है, बेरोज़गारी सबसे बड़ा मुद्दा होता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एक जो नौकरियों का बहुत बड़ा एक मुद्दा बनाया जाता है कि हम लोग जब आएंगे तो आपके साथ न्याय होगा। आज ये लंबे टाइम के बाद जो नौकरियां आई, ये वो अपना न्याय मांग रहे हैं कि हमें जो रिसेंटली जो एडवर्टीज़ नौकरियां हुई हैं, हमें उस नौकरी में आने का मौका दिया जाए, जो एज रिलैक्सेशन है वो दी जाए, जैसे PSC में आपने 32 से 37 किया और जैसे कि बाकी राज्यों में कई जगह सब इंस्पेक्टर का 33 साल है, 35 साल है और 37 साल तक बिहार में है। तो ये लोग ये इतना मांगते हैं कि क्योंकि जो पिछले लंबे टाइम से ये लोग जो आहत हुए हैं, चाहे वो कोविड कारण रहा 2 साल, चाहे वो एब्रोगेशन के कारण एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कम रही, चाहे उससे पहले गवर्नमेंट खुद मानती है इस चीज़ को कि जम्मू कश्मीर में युवाओं के लिए रोज़गार का ज़्यादा कोई साधन नहीं रहे, तो आज वो जब रोज़गार आया है तो ये इतना बात मांगते हैं कि आप हमें एक मौका दें, ये उस एग्ज़ाम को उसमें बैठें और उसको क्वालिफाई करें और गवर्नमेंट का हिस्सा बने। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वी वॉन्ट रिलैक्सेशन, वी वॉन्ट रिलैक्सेशन, वी वॉन्ट। मैं वरिंदर प्रताप सिंह, आज जैसे आप देख रहे हैं कि युवा जो यहां पर एकत्रित हुआ है, ये बड़ा हताश है, बेबस है, लाचार है, क्योंकि ये सभी लोग पढ़े लिखे युवा है और नौकरियों से विफल हैं। ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमें LG की गवर्नमेंट और विद द हेल्प ऑफ इंडिया हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से ये अपील कर रहे हैं कि हमें एज रिलैक्सेशन मिली जाए, जिससे कि हम एग्ज़ाम में बैठ सकें और उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके इस सिस्टम का एक पार्ट बनके भारत माता की सेवा कर सकें।